तो और टमाटरों की हाल चाल यार, मेरी सुबह और अच्छी हो सकती है लेकिन नहीं, मेरी पैंट फंस चुकी है, मैं मोटा हूँ। ये क्या बात हुई? और प्यारी कितनी देर से अंदर बैठी है, चल बाहर निकल। अबे अबे निकल, धक तेरी माँ की जाए। तो आज हमारे घर कुछ मेहमान भी आने वाले, तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। टाइम देखा, अबे क्या घटिया वॉच है। खैर मेहमान आने का एक फायदा तो होता ही होता है, बढ़िया खाना खाने को मिल जाता है यार। इंस्टा रील देखते हो, मेहमान नवाजी इस तरह से करो कि चार लोग बोले हम भी आएंगे कल, भाई खाना तैयार रखना। जो मजा मेहमान के जाने के बाद बचा हुआ नाश्ता खाने में आता है वो किसी में नहीं आता, खासकर मेहमान ऐसे जो रसगुल्ला ले आए, आहा परमानंद। खैर वो अभी गए नहीं थे हमारे पास डिनर सर, ज्यादातर तो हमने सोचा एक उन्हें भी देते, लगे हाथ में अभी अपने लिए प्लेट निकाल लेता हूं। समय चाहे जो भी हो, नाश्ता नहीं रुकना चाहिए, कभी कभी उनके सामने बैठ के भी खाने में मजा आता है। खैर वो यहाँ पर काफी दूर से और बहुत कम आते, इसलिए हमें उन्हें बस में बिठा के आना पड़ता है, उन्हें रास्ता नहीं। मेरी मेहनत के लिए इतना तो बनता ही था आइसक्रीम पार्टी, मिठाई का उद्घाटन मेरे हाथों लिखा था, यम यम। मीठे के बाद कुछ तीखा खाने का मन करता है, मूड बदले उससे पहले मैं ये भी उठा लाता हूँ। मिर्च ज्यादा हो गए बोल के मम्मी को पागल बनाता हूँ, उन्हें कौन बताया बीपी बनती रेड। मिर्च सच में ज्यादा हो गई यार, बड़ा काला धुआं निकल रहा है, लगता है कहीं आग लग। रात को छोटा सा फैमिली डिस्कशन, फिर उसके बाद बैग पैकिंग, कल से स्कूल खुलने, कल मिलते हैं, बाय।